कहते हैं म्यूनसिपलिटी के साथ बात करो, म्यूनसिपलिटी से करते हैं, कॉर्पोरेशन से, वो कहती है ठेकेदार से बात करो। हम इस कोरोना महामारी में काम करते सुबह 6 बजे उठते हैं, बाद 2 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद भी जो हमने मेहनत की है वो भी हमें सैलरी नहीं मिल रही। हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कमिश्नर साहब से, जमेर साहब से, कि जितनी जल्दी हो सके हमारा हल कीजिए, नहीं तो ऑटो सभी स्ट्राइक पे जाएंगे, बाद में फिर आपको जितना ऐसे कितने ऑटो वाले हमारा 200 ऑटो है वो कैसे चलता है, जो 75 वार्डों में चलता है 200 ऑटो है। अब थोड़े कम है, पहले थोड़े ज्यादा थे, सारे आए हुए हैं, सारे दिक्कत में, किसी का 4 महीने गया, किसी का 3 महीने, किसी का 7 महीने। अब ड्राइवर को सैलरी देनी है, टायर पंचर हो रहा है, गाड़ी में तेल डालना है, किस टाइम से चलना है वो हमें जरा प्रोवाइड करें। जब आप उनसे पूछते हैं कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका क्या जवाब है? सर लास्ट टाइम 3 महीनों से यही मीटिंग चल रही है कि एक हफ्ता ठहर जाओ, 2 हफ्ता ठहर जाओ, 3 दिन ठहर जाओ, आज कोई मिनिस्टर जो कोई अफसर है वो बीमार है, मीन की वही सिर्फ बातों में ही चल रहा है। आते हैं 5 मिनट के लिए, हम सुबह के 7 बजे के खड़े हैं भूखे जैसे, वो आते हैं 5 मिनट यही कहने के लिए आते हैं कि एक हफ्ते का टाइम, हफ्ते के बाद भी कुछ मिले नहीं, जब तो कुछ फल निकले तब हम बात करें, करते ही कुछ नहीं। और बेसिकली प्रॉब्लम ये है ठेकेदार तीन, हमें ठेकेदार चाहिए जिससे हम बात कर सकें, तीनों को डिवाइड किया हुआ है, तीनों को कार्य बनाई, हम सबको यही कहते हैं, जितने भी हमारे ऑटो भाई है सारे ये कह रहे हैं हमें बंदा चाहिए जिससे हम बात कर सकें, तीन तीन बंदे जो है वो हमें नहीं चाहिए। सर जैसे कि अभी आपने देखा कि जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ऑटो हायर किए जाते हैं सफाई के लिए, जो उनका कहना है कि उनके पिछले 4 से 5 महीने की इससे भी ज्यादा की जो उनको सैलरी नहीं मिली, और उन्होंने सीधे तौर पे ये भी कह दिया है कि अगर जल्द ही इनका ये मसला हल नहीं किया गया तो इस एजुकेशन को और बेहतर